आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड एलर्जी टेस्ट के बारे में। हम जानेंगे फूड एलर्जी टेस्ट क्या होता है और ये कितने में होता है और ये किसे कराना चाहिए। देखिए, काफ़ी सारे लोगों में किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी होती है जिससे उन्हें कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और कई बार हमें पता नहीं चलता है कि हमें किससे एलर्जी है। तो इसके लिए हम फूड एलर्जी टेस्ट करा सकते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें इस फूड से एलर्जी है। देखिए, इसमें क्या होता है, यदि किसी पर्सन को किसी फूड से एलर्जी होती है और वो उसे खा लेता है तो उसकी बॉडी पर कई सारे साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे कि कफिंग यानी कि खांसी आना, या फिर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग यानी कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसकी बॉडी पर हाइप्स भी हो सकते हैं, स्वेलिंग ऑन लिप्स एंड टंग यानी कि उसके होठों पर और उसकी जीभ पर भी स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा उसे वोमिटिंग यानी कि उसे उल्टी आना या फिर उसे डायरिया भी हो सकता है। तो ये सभी फूड एलर्जी के कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कुछ क्रोनिक यानी कि पुरानी बीमारी होती हैं जो कि हमें फूड एलर्जी के कारण ही होते हैं, यानी यदि हम इन फूड को लगातार लेते रहते हैं तो हमारी परेशानी बढ़ती चली जाती है, जैसे कि एंजाइटी यानी कि घबराहट होना, दर्द होना, अस्थमा, साइनोसाइटिस, डिप्रेशन, फैटिक, माइग्रेन, आर्थराइटिस, स्ट्रेस, नोजिया, लिथार्जी। तो ये सभी कुछ डिसीज़ हैं जो कि फूड एलर्जी के कारण हो सकती है। इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस फूड से एलर्जी है। देखिए, वैसे तो एलर्जी किसी भी फूड से हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कॉमन फूड्स हमने लिए हैं जिनसे सबसे ज़्यादा एलर्जी देखने को मिलती है, जैसे कि पीनट्स यानी कि मूंगफली, ट्री नट्स, मिल्क, एग, वीट, सोए, फिश एंड सेलफिश। तो ये 8 ऐसे फूड हैं जिनसे सबसे ज़्यादा एलर्जी देखने को मिलती है। साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि हमें इन फूड से एलर्जी क्यों होती है। तो देखिए, इन फूड में कुछ ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं जिन्हें किसी किसी इंसान की बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती, जैसे कि यहाँ पर है लैक्टोज। तो लैक्टोज एक कंपोनेंट है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि मिल्क। तो यदि वे इंसान इसे ले लेते हैं तो उनकी बॉडी पर कई सारे सिम्टम्स शो होने लगते हैं या फिर उन्हें कई सारी परेशानियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट है MSG, जिसकी फुल फॉर्म होती है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो ये भी कई सारे फूड में पाया जाता है जो कि बहुत से लोगों को सूट नहीं करता है। यदि वो इसे ले लेते हैं तो उनमें कई सारे सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि हेडेक यानी कि सिर दर्द होना, मसल टाइटनेस, वीकनेस, नमनेस या फिर फ्लशिंग। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन कंपोनेंट है ग्लूटेन। तो ग्लूटेन काफ़ी सारे फूड्स में पाया जाता है, जैसे कि बार्ले, राई, स्पेल्ट, वीट यानी कि गेहूं, इन सभी में ग्लूटेन पाया जाता है और बहुत से लोगों को ये सूट नहीं करता है, इसे लेने से उन्हें एलर्जी होने लगती है। अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो पहला टेस्ट है एलिमिनेशन टेस्ट। इस टेस्ट को आप खुद से भी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको अपनी डाइट से या फिर अपने बच्चे की डाइट से जिसे भी प्रॉब्लम होती है ऐसे फूड को हटाया जाता है जिससे आपको लगता है कि उसे प्रॉब्लम हो रही है, और इस तरह से आप धीरे धीरे सभी फूड को हटाकर चेक कर सकते हैं कि उसे किस फूड से प्रॉब्लम हो रही है, और जिस फूड से प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस फूड को छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा टेस्ट है स्किन प्रिक टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक डॉक्टर आपके फोरआर्म या फिर आपके कमर पर एक निडल से प्रिक करते हैं और वहाँ पर वो सभी फूड को रखते हैं धीरे धीरे, और जिस फूड से भी एलर्जी होती है तो वहाँ पर रेडनेस हो जाती है, तो उससे वो जान पाते हैं कि इस पेशेंट को इस पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है। और फूड एलर्जी का पता लगाने के लिए सबसे कॉमन टेस्ट है ब्लड टेस्ट। तो इसमें आपका एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसमें आपकी एंटीबॉडीज़ देखी जाती है, यानी कि IgE एंटीबॉडी देखी जाती है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि आपको कौन से फूड से एलर्जी है, क्योंकि यहाँ पर लैब में सभी टेस्ट किए जाते हैं और आपको रिपोर्ट में दे दिया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है। और हमें जो लैब से रिपोर्ट मिलती है वो कुछ इस तरह की होती है। तो ये एंटीबॉडीज़ ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, इसमें हमें फूड की क्लास देखनी होती है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है P यानी कि मटर की क्लास यहाँ पर 3rd है, यानी कि इस पर्सन को मटर से एलर्जी है। इसके अलावा यहाँ पर इसे हेजल नट से भी एलर्जी है एंड लेंटिल से भी एलर्जी है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि आपको किस फूड से एलर्जी है और आप उस फूड को फिर अपनी डाइट से हटा सकते हैं। साथ में आपको यह भी बता देते हैं कि यह टेस्ट किस नाम से होता है। तो देखिए, यह टेस्ट दो तरह का होता है, एक होता है फूड एलर्जी वेजिटेरियन, यानी कि यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आपको फूड एलर्जी वेजिटेरियन टेस्ट कराना चाहिए, और यदि आप नॉन वेज हैं या फिर आपको लगता है कि आपको नॉन वेज से एलर्जी है तो आपको फूड एलर्जी नॉन वेज टेस्ट कराना चाहिए। साथ में हम इसका प्राइस भी जान लेते हैं। तो इस टेस्ट का प्राइस 1500 से 2200 तक हो सकता है, तो ये आपकी लैब पर डिपेंड करता है। तो यदि आपको लगता है कि आपको किसी फूड से एलर्जी है तो आप इस टेस्ट को करा सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपको किस फूड से एलर्जी है और उस फूड को आप अपनी डाइट से हटा सकते हैं। थैंक यू।